जिंदगी में सब सही है, बस आपका मन सही नहीं है। वही आपको डराता है, वही आपको रुलाता है और वही आपको हंसाता है। इसलिए अपने मन को संयमित करने के लिए और एक बुद्धिमान मनुष्य बनने के लिए आपको कुछ रहस्य है, वह जानने पड़ेंगे। तो वही रहस्य हम आज के इस वीडियो में आपको कहानियों के माध्यम से बताएंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्धिमान। वही जिसमें ये रहस्यमयी गुण हो, बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्यमयी लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात कहता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है। लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति में ये रहस्यमयी गुण पाए जाते हैं, वह कौन से हैं? चलिए जानते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है, इसलिए ये अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा सकता है, यह कुछ ही मिनटों में। इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है। क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती हैं और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हांकते थे। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर। इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल न हों। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं, चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना कम से कम होती है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं,
क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसलिए वे लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। सातवां गुण, बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और न ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विचलित न करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीख कर वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। आठवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करें। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है सुधारा जाए। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे न बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। नौवां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और न ही वह अतीत के किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक खोजने की सोच रहे हैं किसी समस्या के समाधान के बारे में। वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। दसवां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करता है। ग्यारहवां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करें। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बारहवां गुण, बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं।
इसलिए उनमें सोच समझ कर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण हैं, और अगर ये 12 गुण हैं एक इंसान के अंदर, तो आप भी बुद्धिमान हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए। उन्होंने इस जानकारी के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया और चले गए। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, 10 आसान आदतें जो 30 दिन में आपको एक नया इंसान बना देंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक सच है, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी चीजों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है। लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जो उसको महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से में पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुखों और परेशानियों का कारण होता है। लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे जिंदगी में 99% चीजें बेहद अच्छी हैं। लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पर, बुरी परिस्थितियों पर, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीजें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीजों के लिए तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, ये हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन ये आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाए, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े।
यह इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो, फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम कभी भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा न करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का न होना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 1 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है, तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा देखा जाए। तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है, भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, यह हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्र पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्वों भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भूना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद चेहरों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा, चीनी और मैदा से। तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें बचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगी तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबत अनाज, सूखे में भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो, भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांतचित और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं, यह उसी के अनुसार काम करने लगता है, इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिता हो जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है, परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें।
और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में आठवीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं, अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहां है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में नौवीं आदत है रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में दसवीं आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचें। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वार्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। ये देखते ही सभी चीजें समझ गए कि अब यहां से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सुंदर और भव्य महल में एक बहुत ही समझदार और ईमानदार महाराज रहते थे। महाराज ने अपने प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन महाराज अपने महल के पुस्तकालय में गए। उन्होंने वह एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहां कैसे आई और ये किसकी है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है, लगता है ये बहुत खास पुस्तक है। महाराज ने तुरंत उसे खोलकर पढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने वह पुस्तक खोली उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस पर लिखा था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें में कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता था। महाराज ने इस अद्भुत शक्ति को देखकर इसे अपने राज्य की सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुस्तक को अपने सबसे विशेष कार्यों को करने में शामिल किया और प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्द ही यह अद्भुत पुस्तक लोगों का ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। एक दिन गांव के एक गरीब लड़के रामू ने महाराज से इस पुस्तक को देने की विनती की और महाराज को बताया कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है जिसे उन्होंने अपनी सिद्धियों से हासिल किया था। उसने महाराज को एक पत्र भी दिखाया जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। महाराज ने रामू को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इसका इस्तेमाल करना, जो भी आप लिखेंगे वह सच हो जाएगा। रामू ने पुस्तक का प्रयोग करने का निर्णय किया
उसने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश की और पुस्तक में लिखा, मेरे लिए सबसे सुंदर और भव्य घर बनाने का सपना है। अचानक उसके सामने एक भव्य घर बन गया। रामू को इस आश्चर्यजनक शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे और भी कामों में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मैं इस जादुई पुस्तक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। एक दिन गांव में भयानक डाकुओं का हमला हुआ। वे महाराज के महल पर हमला करने आ रहे थे। महाराज के अलावा रामू भी महल में था। और भी बहुत से सेवक, बच्चे और बूढ़े थे। रामू ने भयानक हमले से बचाव के लिए तत्परता से पुस्तक में लिखा, हम सबकी सुरक्षा के लिए तत्परता से समस्या का हल निकालो। और पुस्तक ने तत्परता से हमले का समाधान कर दिया। महाराज ने इस अद्भुत घटना को देखकर रामू को सम्मानित किया और उसे अपने सबसे विशेष सलाहकार बनाया, क्योंकि उसने अपनी समझदारी का प्रदर्शन किया और जादुई पुस्तक का सही इस्तेमाल किया। रामू ने सबको सिखाया कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। इस तरह रामू ने जादुई पुस्तक की मदद से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। सहायता और साझेदारी का महत्व। रामू ने जादुई पुस्तक की शक्ति को पहचाना और इसे समाज के भले के लिए प्रयोग किया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, वही अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति का मानना था कि वह सितारों में भविष्य पढ़ सकता है। वह खुद को ज्योतिषी कहता था और रात में अपना समय आसमान की ओर देखते हुए बिताता था। वह हमेशा भविष्य की चिंता में व्यस्त रहते थे और ग्रामीण अक्सर यह जानने की उम्मीद में उनके पास आते थे कि उनका भविष्य क्या है। एक शाम वह गांव के बाहर खुली सड़क पर टहल रहा था। उसकी निगाहें तारों पर टिकी थीं। उसने सोचा कि उसने वहां देखा है कि दुनिया का अंत निकट है। वह भविष्य के विचारों में खोया हुआ था। जैसे ही वह तारों को देख रहा था, वह बिना नीचे देखे चलता रहा। अचानक वह कीचड़ और पानी से भरी खाई में गिर गया। वह गंदे पानी में डूब रहा था और बाहर निकलने के प्रयास में पागलों की तरह गड्ढे के फिसलन वाले किनारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बाहर रेंगने में असमर्थ था और अपनी जान के डर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। मदद के लिए उसके चिल्लाने पर जल्द ही ग्रामीण दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उसे कीचड़ से बाहर निकाला, उनमें से एक ने कहा, तुम तारों में भविष्य पढ़ने का दिखावा करते हो और फिर भी यह नहीं देख पाते कि तुम्हारे पैरों में क्या है। इससे आपको यह सिखाया जा सकता है कि जो आपके सामने है उस पर अधिक ध्यान दें और भविष्य को खुद ही संभालने दें। क्या फायदा? दूसरे ने कहा, सितारों को पढ़ने का, जब आप यह नहीं देख सकते कि यहां पृथ्वी पर क्या है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल और खुशहाल हो, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। प्रत्येक कल आज में बदल जाता है। आपका वर्तमान भी आपके भविष्य का एक हिस्सा है। आगे देखने और सुधारने के लिए हमेशा एक कल होता है, लेकिन आप बीते हुए कल में वापस नहीं जा सकते। इसलिए बेहतर कल के लिए काम करते हुए अपने वर्तमान जीवन में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।